महात्मा गांधी एक युग ही नहीं वरन आने वाली सदियों को भी प्रभावित करते रहेंगे। एक ऐसा महामानव जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के हित के लिए होम कर दिया और बदले में अपने विचारों की अखंड ज्योति दे गए, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का न सिर्फ नेतृत्व किया बल्कि देश को स्वतंत्रता भी दिलाई। उन्होंने अहिंसा, शाकाहार, आत्मशुद्धि के लिए उपवास और विभिन्न पंथों को मानने वालों के बीच परस्पर सहिष्णुता को अपनाया। गांधी जी के सत्याग्रह का जन्म दक्षिण अफ्रीका से ही हुआ। उन्होंने वहां रह रहे भारतीयों के लिए 7 साल से अधिक समय तक संघर्ष किया और अहिंसा का सही अर्थ समझा, जो वेदना पहुंचाने के बजाय उन्हें झेलने, विद्वेषहीन प्रतिरोध करने और बिना हिंसा किए उनसे लड़ने की नई तकनीक थी। विश्व पटल पर महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि शांति और अहिंसा का प्रतीक है। तभी तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। विश्व के अनेक नेता गांधी जी के विचारों से प्रेरणा लेते हैं, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो या फिर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो गांधी जी के विचारों को आत्मसात कर चुके हैं और अपने जीवन में पूरी तरह से उसका पालन करते हैं। उनका स्वच्छ भारत अभियान इसी का एक उदाहरण है। गांधी जी ने किसी भी सभ्य और विकसित मानव समाज के लिए स्वच्छता के उच्च मानदंड की आवश्यकता को समझा। अपने दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत तक वो अपने पूरे जीवन काल में निरंतर बिना थके स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते रहे। भरोसा हम करें महात्मा गांधी पर, भरोसा करें महात्मा गांधी की त्याग, तपस्या और समर्पण पर, भरोसा करें हम महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपनों पर। और आज हमारी जिम्मेवारी बनती है, अगर हम मां भारती के संतान है तो यह हमारा दायित्व बनता है कि न मैं गंदगी करूंगा, न गंदगी मैं करने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी जी के खादी के दर्शन के प्रबल पक्षधर हैं, तभी तो उन्होंने लोगों से खादी का कपड़ा पहनने की अपील की है। इससे उनके मेक इन इंडिया कार्यक्रम को भी बल मिलता है, जो गांधी जी की स्वदेशी की अवधारणा से पूरी तरह मेल खाता है। गांधी जी ने कहा था, एक आदमी को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति शिक्षित होगा, एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत कर गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। गांधी जी ने अपने दम पर विश्व को यह दिखला दिया कि प्रेम, सत्य और अहिंसा का मार्ग ही श्रेष्ठ मार्ग है। समाज के गरीब, असहाय और अछूतों के उद्धार के लिए किए गए उनके कार्यों को भी भुलाया नहीं जा सकता। गांधी जी का जीवन लोगों के लिए था, उन्होंने मानवता के लिए अपना बलिदान दे दिया। गांधी जी के विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहेंगे और गांधी जी लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।